हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग। मैं हूं अरविंद चौधरी और आप देख रहे हैं एंड्रॉइड सीरीज़। और आज हम बात करने वाले हैं टेक्स्ट टू स्पीच के बारे में। बेसिकली टेक्स्ट टू स्पीच एक टेक्स्ट टू स्पीच इंजन लाइब्रेरी होती है एंड्रॉयड में, जो कि आप कोई भी टेक्स्ट देते हैं उसे, वो उसको स्पीच में कन्वर्ट करती है। तो आइए हम देखते हैं इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है। सबसे पहले एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और इस प्रोजेक्ट का हम नाम देंगे, नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और इस प्रोजेक्ट का हम नाम देंगे TTS टेक्स्ट टू स्पीच ऐप। यह हमारी एप्लीकेशन क्रिएट हो चुकी है और यहाँ पर हम एक लीनियर लेआउट लेंगे। ये हमने एक लीनियर लेआउट ले लिया और इस लीनियर लेआउट में हम ओरिएंटेशन सेट करेंगे। वर्टिकल और इसमें एक एडिट टेक्स्ट लेंगे जिसमें हम टेक्स्ट इंटर करवाएंगे और इसमें एक आईडी देंगे टेक्स्ट, देन इसमें एक इनपुट टाइप देंगे टेक्स्ट, देन इसमें एक हिंट देंगे इंटर टेक्स्ट। इसके नीचे हम एक बटन लेंगे और उस बटन के क्लिक पे हम टेक्स्ट टू स्पीच में कन्वर्ट करेंगे, टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट करेंगे। इसके विड्थ फिल पैरेंट हाइट रैप कंटेंट, इसको एक आईडी देंगे हम, आईडी हमने दिया इसको स्पीच, देन इस पर एक टेक्स्ट सेट करेंगे हम स्पीच, और ये हमारा यूआई पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम आते हैं अपने, यहाँ पर हम एक इंटरफेस लेंगे और इस इंटरफेस इंप्लीमेंट और इसका होता है टेक्स्ट टू स्पीच, टेक्स्ट टू स्पीच डॉट ऑन इनिट लिसनर, और इसकी एक अनइम्प्लीमेंट मेथड होती है ऑन इनिट। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमारा एडिट टेक्स्ट है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। मैंने दिया टेक्स्ट, देन बटन का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हमने, बटन, बटन का हमने नाम दिया स्पीच। ओके, देन यहाँ क्या करेंगे आप, इस एडिट टेक्स्ट के ऑब्जेक्ट को लिंक करेंगे एडिट टेक्स्ट विजिट के साथ, फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट टी एक्स टी। ओके, देन हम क्या करेंगे, स्पीच इक्वल्स टू, यहाँ बटन में कास्टिंग करेंगे, फाइंड यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट स्पीच, देन नेक्स्ट हम इस बटन पर लिसनर सेट करेंगे, सेट ऑन, इस पर हम ऑन क्लिक लिसनर सेट कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट हम अपने जो एडिट टेक्स्ट ऑब्जेक्ट है उससे वैल्यू गेट करेंगे कि स्ट्रिंग के अंदर। तो यहाँ मैं लेता हूँ स्ट्रिंग TXT1 इक्वल्स टू TXT डॉट गेट टेक्स्ट, गेट टेक्स्ट टू स्ट्रिंग। ओके, मैं एक बार इसको रन करवा देता हूँ ताकि मेरा जो इम्यूलेटर है वो फास्ट रन हो। और अब हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक मेथड होती है हमारी, सॉरी यहाँ पर एक हमारी क्लास है टेक्स्ट टू स्पीच, मैं इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया TTS, देन यहाँ पर TTS डॉट, एक क्लास होती है हमारी स्पीक, तो इसमें हम सबसे पहले पास करेंगे टेक्स्ट, हमारा टेक्स्ट वन, देन
टेक्स्ट टू स्पीच डॉट एक हमारा वेरिएबल होता है क्यू एड, एंड थर्ड पैरामीटर हमारा होता है नल, हम इसको अभी नल रहने देते हैं। देन हम बटन के बाहर आएंगे और यहाँ पर एक इम्प्लिसिटी इंटेंट क्रिएट करेंगे, इंटेंट आई इक्वल्स टू न्यू इंटेंट, देन हम इस पर सेट एक्शन करेंगे। सेट एक्शन हमारी एक मेथड होती है और यहाँ पर हमारी क्लास है टेक्स्ट टू स्पीच डॉट, हमारी इसकी टेक्स्ट टू स्पीच की एक इनर क्लास होती है इंजन डॉट, और यहाँ पर एक हमारा स्टैटिक वेरिएबल है एक्शन चेक टीटीएस डेटा। देन हम क्या करेंगे, इसको स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट लेंगे क्योंकि हमें जो वैल्यू है वो गेट करना है, तो यहाँ पर लेंगे स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट। देन यहाँ पर पास करेंगे हम इंटेंट का ऑब्जेक्ट आई, देन सेकेंड हमारा रिक्वेस्ट कोड, यहाँ पर हम जीरो लेते हैं। अब हम आते हैं बाहर और यहाँ पर हम लेते हैं ऑन एक्टिविटी फॉर रिजल्ट और कौन सा लेते हैं, ओके। अब इस मेथड में तीन पैरामीटर होता है रिक्वेस्ट कोड, रिजल्ट कोड एंड डेटा। तो हम यहाँ पर पहले चेक करेंगे जो हमने रिक्वेस्ट कोड भेजी इधर से जीरो, उसको चेक करते हैं वो सेम है या नहीं। तो हम यहाँ डालते हैं रिक्वेस्ट, इफ़ रिक्वेस्ट कोड इक्वस टू जीरो, इट मीन्स हमारा डेटा सही आ रहा है रिक्वेस्ट कोड। देन यहाँ पर देंगे टीटीएस डॉट, यहाँ हमारी एक मेथड होती है टीटीएस इक्वस टू न्यू टेक्स्ट टू स्पीच, एंड इसमें हम पास करेंगे कॉन्टेक्स्ट, तो यहाँ पर दिस एंड दिस। अब ये हमारी एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुकी है, अब हम इसको रन करके देखते हैं। और वॉल्यूम अप ले लेता हूँ थोड़ा सा, ओके मेरा फुल साउंड है। हो सकता है कभी कभी आपका इमुलेटर पर रन ना करे, तो अगर इमुलेटर पर रन ना करो जो भी प्रोग्राम, तो आप प्लीज़ उसको अपने रियल डिवाइस पर रन करवा के देखें, क्योंकि कभी कभी इमुलेटर में एरर हो सकती है। अब यहाँ पर मैं अपना नाम डालता हूँ ARVINT और चेक करता हूँ, ठीक है यहाँ पर, और यहाँ पर मैं अपना सरनेम भी डाल देता हूँ, ये बिल्कुल प्रॉपर वर्किंग कर रहा है। तो ये तो हमारा टेक्स्ट टू स्पीच था, और दोस्तों इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेरी हो आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा स्पीच टू टेक्स्ट, तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।